हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ, फाइन हूँ। दोस्तों, ये है नवरात्रि का पहला दिन, ये स्थापना का दिन था। तो देखिए, मैंने अपनी किचन विचन पूरे अच्छे से क्लीन कर दी है, सारे बर्तन हो गए हैं मेरे। बस झाड़ू पोछा करके मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के आने के बाद ना, मैंने थोड़ा मोड़ा अपना लुक चेंज किया। नवरात्रों में क्या होता है ना, मोस्टली रेड कलर का ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है, देवियों का कलर रेड कलर ही होता है। तो मैंने क्या किया, कुछ चूड़ी उड़ी चेंज कर ली। मेरे पास एक अनारकली था रेड कलर का, तो वो मैंने अपना डाल लिया। पायल पहन ली। हमारे अच्छा यहाँ पैर में आलता लगता है, जिस दिन आप फास्ट होते हो उस दिन आलता आपका कंपलसरी होता है कि यहाँ पैर पर लगाओ। तो वही सब मैंने कर लिया है, चूड़ी सिंदूर मंगलसूत्र सारा कुछ डाल दिया है। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आज शायद नवरात्र का तीसरा या चौथा दिन है, तो आई एम रियली सॉरी। शूट मैंने कर लिया था, बट फ्रेंड्स, बच्चे, नौकरी एंड सबके साथ ना सारा कुछ एडिट करना इतना इजीली या इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। तो आई एम रियली सॉरी कि ये व्लॉग आपको दो तीन दिन बाद मिल रहा है। तो इस दिन मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट था, और आज के दिन ही मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे थे, आउट ऑफ स्टेशन, एक्चुअली आउट ऑफ सिटी कह सकते हैं, कोई इनका ट्रेनिंग वगैरह है। तो मुझे अब पूरे वीक लगभग संडे तक बच्चों को भी पूरा देखना पड़ेगा, प्लस ऑफिस एंड ऑल। तो बस दोस्तों, मैंने क्या किया, सारे भगवान जी को अपना क्लीन करके एक रेड कपड़ा बिछा करके मैं सारे भगवान को अच्छे से रख दूँगी पोंछ पोंछ के। मेरी अच्छा अलमारी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। मतलब ये जो मंदिर जो मेरा लकड़ी का मैंने परचेज़ किया, ये मंदिर वैसे मैंने अमेज़ॉन से लिया था, काफ़ी सही पड़ा, और ये इसका लगभग 4 साल हो गया है। तो बस मेरे पास ज़्यादा भगवान जी नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पेस ही इतना नहीं है। तो बस लक्ष्मी गणेश जी हो गए, शंकर पार्वती जी, विष्णु जी, छोटा सा शिवलिंग है, और मैंने गाय के गोबर से गौरा जी बना रखी है। एक सिंधौरा है जो गाय के गोबर से ही बना हुआ है। बस दोस्तों, मैं क्या करूँगी भगवान जी को, अच्छा मैं क्या करती हूँ मोस्टली, पहले अच्छे से क्लीन करने के बाद पहले मैं दिया जला देती हूँ, क्योंकि और उसके बाद दिया जलाने के बाद मैं फिर टीका वीका लगाती हूँ। मतलब बाद में नहीं करती कि मैं सब कुछ कर लूँ फिर दिया जलाऊँ, पहले मैं ऐसे करती थी। बट अभी मैं क्या करती हूँ कि दिया जलाने के बाद सारे भगवान को कुमकुम से और अच्छे से मतलब टीका लगा देती हूँ, अपने भी टीका लगा देती हूँ। उसके बाद मैं जो भी भोग मुझे चढ़ाना होता है वो मैं लगा देती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने पानी का नारियल भी लिया था, बट वो शूट करना रह गया तो मैंने वो भी चढ़ाया था। और ये देखिए, मेरे विष्णु जी हैं, कन्हैया जी हैं, तो इनको लक्ष्मी जी बहुत प्यारी हैं, तो तुलसी मैया इनको ज़रूर चढ़ाना चाहिए, ऐसा बोलते मैंने सुना है दोस्तों। और देखिए, मेरे पास रेड कलर के रोज़ेस थे काफ़ी सारे, मतलब हस्बैंड बाहर से लेके आए थे मार्केट से। तो मैं अच्छे से अपना मंदिर सारे भगवान जी को डेकोरेट कर दूँगी। वैसे तो मेरे यहाँ गुड़हल के फूल अच्छे खासे होते हैं, बट उस दिन नहीं हुए थे तो मैंने मार्केट से परचेज़ किया। अब देखिएगा, सारे के सारे मैं फूल एक एक करके चढ़ा दूँगी। दोस्तों, यही टाइम होता है जब आप भगवान को डेकोरेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जैसे हम तैयार होते हैं वैसे उनको भी तैयार करना तो बनता है ना, आफ्टर ऑल नवरात्र स्टार्ट हुए हैं। तो बस मैं धीरे धीरे सारे भगवान जी को, जैसे शिवलिंग में बोलते हैं वाइट कलर का सफ़ेद कलर का फूल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं कोई ऐसे बहुत बड़ी पुजारी नहीं हूँ, मैं ये पहले से बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है हर इंसान के तरीके अलग होते हैं पूजा करने के, इम्पॉर्टेंट केवल आपकी आस्था, आपका मन होता है कि आप किस तरह से भगवान की पूजा कर रहे हैं, कितनी आस्था है आपके अंदर। दिखावे से आप भी जानते हो कोई मतलब नहीं है, जो जिसके पास हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, बट ये है कि हाँ आप मन से पूजा करें, मुझे लगता है भगवान ज़रूर सुनते हैं। मेरा तो यह एक्सपीरियंस रहा। तो बस देखिए दोस्तों, बस जितने भी मेरे गुलाब थे मैंने पूरे के पूरे चढ़ा दिए हैं। देखिए, अच्छा रेड कलर का जो कपड़ा मैं बिछाती हूँ उसकी वजह से इतना अच्छा लुक आता है मेरे मंदिर में, कि मतलब प्लीजेंट सा लगता है देखने में भी। आपको भी दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। देखिए, दिया जल रहा है, उसकी लौ जल रही है, धूप जला दी है मैंने, उधर कुमकुम लग गया है। तो बस इसके बाद हमने आरती की थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और सानवी तो खैर स्कूल गई थी इसलिए शांतिपूर्वक सारा काम हो गया, वरना वो बड़ी एक्टिव रहती है, उसको आरती आरती गाना आता है। मैंने थोड़ा सा सिखाया उसको, तो ओम जो जगदीश हरे वो गाती है, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ कम से कम 5 से 6 लाइन उसको आती है। और बाबू थोड़ा सा अपने आप में खुद ही बिजी रहता है, तो इतनी दिक्कत नहीं करता है वो। तो दोस्तों बस यही है कि अब हम दोनों फास्ट हैं तो दोनों को पूजा करना इम्पॉर्टेंट, तो हम दोनों यहाँ पर खड़े होकर पूजा कर रहे थे। इसके बाद हमने आरती आरती की थी, मुझे लगा मैं शूट कर लूँ तो मतलब मेरे लिए भी मेमोरी हो जाएगी। और देखिए, मेरी अलमारी ये कह सकते हैं पूजा की, ये जो मंदिर है ना इतना सुंदर लग रहा था, लाइक रेड रोज, इतनी अच्छी इसमें स्मेल आ रही थी उस दिन कि पूछिए मत। अच्छा दोस्तों, कभी इसके पहले ना मैं 9 दिन के फास्ट भी थी, तो वहाँ मैंने कलश स्थापना और जो बाकी लोग जौ वगैरह बोलते ना, मैंने वो भी किया था, बट इस बार इतना हो नहीं पाया। तो मैं बस केवल पहला फास्ट और लास्ट फास्ट में रहूँगी, बस 2 फास्ट ही रहूँगी नवरात्रों में।
तो बस ये देखिए, थोड़ा सा मैंने किशमिश और काजू भी रखा था, और मेरा एप्पल एक रख दिया है मैंने, नारियल भी रखा था जो मैंने शूट करना मैं भूल गई हूँ दोस्तों। उसके बाद हमने आरती आरती कर ली है, पूजा कर ली है। बस फ्रेंड्स, पूजा वूजा करने के बाद मैं तुलसी जी को जल भी देती हूँ, तो बस वो जल वल दे करके फिर मुझे क्या था ना, मुझे जाना था ऑफिस। हस्बैंड मेरे निकलेंगे लगभग 4 बजे करीब, उनकी कोई ट्रेन है तो मैं उसके पहले 3 बजे तक आ जाऊँगी, 2:30 में आ भी जाती हूँ। तो फिर उसके लिए पहले मैंने क्या किया कि मैंने फलाहार, मैंने सोचा कुछ तैयार कर लूँ क्योंकि भूख भी लग रही थी। साफ़ सफाई करते करते लगभग मुझे 9 बज गया था, थोड़ा ऑफिस जाने में लेट भी हो गया था मुझे। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास फ्रोज़न में बनाना पड़े हुए थे। आप फ्रेंड्स का ट्राई करना, बहुत अच्छा शेक, बहुत क्रीमी शेक बनता है, आपको लगेगा जैसे बाज़ार का है, और कुछ आपने लगेगा जैसे क्रीम या आपने मलाई डाल के शेक बनाया है। तो मैंने क्या किया, फ्रोज़न बनाना ले लिए हैं, थोड़े से मैंने खरबूजे के बीज जो मेरे पास पड़े थे मैंने वो डाल दिए हैं इसमें। आप चाहो तो कैशूज़, खजूर, जो भी आपको मन करे, बस मैंने सिंपल रखा है इसको क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा कम था फ्रेंड्स। तो बस देखिए हमारा शेक रेडी हो गया। अच्छा, उधर मैंने क्या किया था, मूँगफली के दाने, थोड़े से काजू और मखाना मैंने फ्राई करने पहले ही रख दिए, तो धीमी आंच में हो रहे थे तो अब वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ देखिए बाबू भी कह रहा है कुछ, आरुष भी बोल रहा है कि हाँ मम्मा उसको ग्लास में डालो बोल रहा है, वो भी अपनी चीज़ें करता रहता है। तो बस दोस्तों थोड़ा सा नारियल मैंने लिया है, जो पानी का नारियल होता है, जितिया का एक्चुअली पड़ा रखा हुआ था, तो वो नारियल मैंने निकाल लिया है। एक ग्लास शेक हो गया, ये हो गया है मेरा, तो बस मैं इतना खा लूँगी फटाफट से, रेडी में थी तो बस मैं निकल जाऊंगी अपना ऑफिस के लिए दोस्तों, क्योंकि मुझे जल्दी आना है और अगले वीक मुझे बूस्ट अप रहना है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे, क्विक रिमाइंडर, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।